नमस्कार आदाब, मैं इस वक्त गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हूँ। अगस्त के इस पूरे महीने हम क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपके लिए लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ केसेस। यूपी स्पेशल का पहला केस एक 17 साल की मासूम लड़की और उसके मोहल्ले में रहने वाले एक बदमाश का है जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। ये केस एक सवाल उठाता है कि क्या हमारा कानून इतना सतर्क है कि वो सड़क पर होने वाली वारदातों पर ध्यान दे सके। आखिरी बार कह रहा हूँ, बोल दे दे, वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा बेटा, ठीक है, अब आना अपना होमवर्क कंप्लीट कराने मेरे पास, ठीक है? चलो रे आप, चलो चलो। रुखसार, नाज़मीन ये दो जोड़ी कपड़े देके गई है सलवार कमीज के लिए, अब वो को देकर आ। जी हमें बस 10 मिनट ये चैप्टर कंप्लीट होते ही दे दूंगी। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही है? नहीं बिल्कुल नहीं। जल्दी जा। हाँ भाई बोल। 50 रुपए। क्या 50 किस बात के, एक वॉशर ही तो बदला है तूने। क्या सादिक भाई, लेबर का भी तो बनता है ना। वाह बेटा, वॉशर के 10 रुपए और फिटिंग करने के 40। जा बे, 60 का मैं वो सटिया तू रहा है। तो रोज रोज ये सब क्यों बर्दाश्त करती है, अपने अब्बू को बता देना। पता नहीं यार शबाना, पर अब्बू को कुछ भी बताने से ना बहुत डर लगता है मुझे। क्यों? तुझे पता है अगर मैंने कुछ भी बताया ना अब्बू को तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। लेकिन कब तक बर्दाश्त करती रहेगी तू मुझे? चाचा को दे दे। ठीक है। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? नहीं अब्बू, कुछ नहीं, घर जाती हूँ। जा। सार के साथ कुछ हो रहा था और वो ये बात अपने अब्बू को बताना भी चाहती थी, लेकिन कोई डर था जो उसे बार बार रोक रहा था। ये सब कुछ एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था जब वो स्कूल से वापस घर लौट रही थी। सॉरी
सॉरी। क्या बदतमीजी है ये, दिखाई नहीं देता तुमको? रोज रोज धक्का मार देते हो और फिर सॉरी कह देते हो। तेरे को पता है जितना करण तुझे छूके नहीं लगता ना उससे ज्यादा रिजवान। पता है तुझे, हाँ तुझे देखता हूं ना तो दिल मचल जाता है मेरा। खुद को तो रोक लूं लेकिन तुझे छुए बिना मन नहीं मानता मेरा। क्या करूँ, सॉरी। क्या हुआ? अरे कहाँ जा रही हो? पीछे। अरे सुनो ना। अरे रुको ना। क्या हुआ भाई? हाँ? क्या हुआ भाई? अरे पलक। जहांगीर ले आ गई तेरी अनारकली। आज तो इसे ऐसे टच करना कि 440 का झटका मिल जाए, फिर देखना कल खुद आके लिपट जाएगी। लिपटेगी तो कभी ना कभी, तब तक थोड़ा मजा तो ले ले इसका। अरे ले लो ले लो। ओ मैडम, ये रोज रोज पढ़ने का जाती हो तो प्यार के किसी दिन से सीख लो। चला चले तो चढ़ पाता हूँ, तुझे छूंगा नहीं। थोड़ा तू चढ़ा ना तो तड़प रहा हूँ यार। अरे मार रहा सीटी यार। अरे इतने भी खराब नहीं दिखते भाई। सीखो अपनी बहन से, 10वीं में 80% नंबर लाई है। और तुम क्या लाओगे, मुर्गी का अंडा? अबू मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, बैट्समैन, हर बॉल पे छक्का मारूंगा। अच्छा। अबू मैं भी। हिंदुस्तानी टीम में तुम्ही लोगों की कमी रह गई है ना। रुक सार। जी अबू। बेटा तू इतनी गुमसुम क्यों बैठी है, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। चीज़ खा। ये परवेज जावेद और जहीर कहाँ रह गए? बाहर खेल रहे हैं। आवारगी करना तो बिना किसी मुशक्कत के सीख लेते हैं ये बच्चे। बेजांगिर थोड़ा ऊपर उठो, माजी जागर के साथ जाके दुकान पर बैठो, बहुत हो गया, कुछ काम वाम सीखो। मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, दोनों है ना दुकान संभालने के लिए, मैं जरूरत होगी चला जाऊँगा। तब तक ये सड़क छाप लड़कों के साथ घूमता रहेगा तू? कह तो रही हूँ निकाह कर दो इसका, बीवी आएगी तो अपने आप जिम्मेदार हो जाएगा। कौन देगा इसे लड़की? एक लड़की है मेरी निकाह में। हाय अल्लाह, कौन है वो? पक्का होगा तो बता दूंगा। पक्का होगा तो तेरे पे तो सुरखाव के पर लगे हैं ना, सारी हुरें तेरे हाँ के इंतजार में बैठी हैं।
मोहल्ला था जहाँ रुखसार रहती थी, जागीर भी यहीं रहता था। जागीर के परिवार वालों को अच्छी तरह से पता था कि उनका बेटा कुछ नहीं करता है, बस सारा दिन आवारा गर्दी करता रहता है। रुखसार रोज ये सब सह रही थी, लेकिन उसने अपने अब्बू को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन एक दिन जब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया, वो अपने परिवार से अपना दर्द छुपा नहीं पाई। जरूरत क्या थी? हम है ना, इस लड़के को तो मैं सबक सिखाता हूँ। जुनैद और दानिश को फोन कर रहा हूँ। जुनैद, दानिश को अपने साथ लेकर आ। जहांगीर को सबक सिखाना है। हाँ भाई, सादिक का लड़का, चल जल्दी आ। वो जवानी चढ़ी है ना उसे, उसका दिमाग ठीक हो जाएगा जब हाथ पांव तोड़ेंगे उसके। हाँ, तुम पागल हो गए हो? ये सादिक भाई और उनका पूरा खानदान जब देखो मारपीट करते रहते। वो जहांगीर एक नंबर का मवाली है, उसका भी भाई है, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। अरे आप क्यों उनके मुंह लगना चाहते हो? तो क्या करूं, चूड़ियां पहनकर बैठ जाऊं, अपनी बेटी को छेड़ने दूं, है मनमानी करने दूं? जाने दो मुझे। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते दिमाग से काम लीजिए। आप पुलिस में जाकर रोक सकते हो। अरे इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं, पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। और पुलिस ने भी अपना काम नहीं किया तो आप पहले जाइए तो रिपोर्ट तो लिखवाइए। क्या हो गया तुम लोगों को? फेंको, फेंको ये सब। क्या क्या रुखसार के साथ उसने? अरे छेड़ता है हमारी बच्ची को, गंदी गंदी बातें करता है। भाभी आप बीच में ना आए, हमें निपटने दीजिए। खून खराबे से कोई फायदा नहीं, आप लोग यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट लिखवाएंगे। चलो। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, समझ गए? हाँ।
हाँ समझ गया, अब जाएं। चलो। क्या हुआ अम्मी? अम्मी मैं भी अपने बेड से उसे एक धुल लगा के आऊँ क्या? ए जाकर अपना काम कर, नहीं तो मैं लगाऊंगी तुझे एक। जा ये सब तेरे साथ पिछले एक हफ्ते से हो रहा था और तू चुप रही। रुखसार कहीं ऐसा तो नहीं थे खुद उस लड़के को हवा दे रही थी? नहीं अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो चुपचाप हमेशा खुल जाती थी और वापस आ जाती। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे चीरता है। एक नंबर का गुंडा है जहांगीर उस्मानी। उसका तो पूरा की पूरा खानदानी वैसा है। हम बात करेंगे उससे। बात करने से कुछ नहीं होगा साहब, पकड़ कर अंदर कर दीजिए। हवालात में रहेगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी उसकी। ऐसे जंगियों को तो हवालात में बंद करके ही रखना चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं बात करूंगा, तुम लोग परेशान मत हो, मैं उसे कड़ी वार्निंग दूंगा। तुम लोगों के पड़ोस में रहता है ना वो। हाँ लेकिन हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो उन्हें मुंह भी नहीं लगाते। इसकी शुरुआत कहीं तुम्हारी बेटी ने तो नहीं की? जी साहब, मेरी बेटी रुखसार बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसे बेकार के चक्करों में नहीं पड़ती, पूरा दिन अपनी पढ़ाई में लगी रहती है। 10वीं में 80% नंबर लेकर आई है वो, ऐसा काम नहीं कर सकती साहब। और ये जहांगीर वहाँ का माना हुआ मवाली है, सारे दिन वहाँ बैठ करके सिर्फ आवारागर्दी करते रहता है। मिश्रा एक एनसी रजिस्टर करो, जाओ उस लड़के को देखो। ओके सर। अब तुम लोग भी अपने घर जाओ, वो लड़का आइंदा तुम्हारी लड़की को परेशान नहीं करेगा। छोड़ना मत उसे। मैंने बोला ना कि मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, तुम लोग घर जाओ। एनसी रजिस्टर की जा चुकी थी, पुलिस ने जहांगीर के खिलाफ एक्शन लेने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा दोबारा अब कभी नहीं होगा, लेकिन क्या वो इसे रोक पाए? तू परेशान मत हो, अब वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। पुलिस से बात हो गई है, वो देख लेंगे उसे। शुक्र है अल्लाह का। लीजिए भाईजान, मैंने तो पहले ही कहा था इन सब मामलों में दिमाग गर्म करना ठीक नहीं। इधर। हाँ साहब। बेटा जहांगीर उस्मानी का घर किधर है? इधर है साहब, इस गली में। उसे छोड़ना मत, उसकी टांगे तोड़ डालना। तू खेल। अम्मी जहांगीर के घर में पुलिस आई है। हाँ मैंने उन्हें बोल दिया कि उसकी टांगे तोड़ डालना। चप्पड़ चप्पड़ बंद कर, समझा? अम्मी एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। करेगा? चुप कर। तारिक, तारिक रुक जा। आज नहीं आया था वहां पर। अब आएगा भी नहीं, पुलिस ने पकड़ा होगा या धमकाया होगा। हाँ तो मैंने पुलिस वाले को कहा था कि उसे छोड़ना मत, अब इस पूरे गली में बस एक ही गुंडा होगा और वो मैं हूँ। इसकी भी मरम्मत की जरूरत है, कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इसकी। अम्मी फिर भी बैट्समैन ही मानूंगा, दर्जी नहीं। चुपचाप खाना खा दर्जी की औलाद।
जब तूने मुझे पहले बताया था तभी मैंने तुझसे कहा था ना, अपने अब्बू को बता। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही थी, मैं ना बेकार में ही डर रही थी यार। फिर भी ख्याल रखना, वो तेरे मोहल्ले में ही रहता है। पता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। परेशान करना शुरू कर दिया? नहीं, पहले दिन उसके दोस्त देखकर सीटियां बजा रहे थे। वो वहां पर बस बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, पर ऐसा लगता है मानो वो मुझे ही घूर रहा है। उसने फिर से तेरे से बात करने की कोशिश नहीं की ना? नहीं यार, इसीलिए तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर करूं तो क्या करूं। वो ये सब जानबूझ के कर रहा है सिर्फ तुझे परेशान करने के लिए। पर तू ही बता, मैं अब्बू के सामने क्या कहूं कि वो रोज गली में खड़े रहता है? उसका घर है यार वहां पे। शबाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, क्या करना चाहता है ये लड़का? कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है वो। फिर से कुछ कहा? रुखसार, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। लगता है उसने फिर से आगे के साथ कुछ किया है। सुनना बच्ची, बोल ना, क्या हुआ, बोल। वो कह रहा था कि जबरदस्ती मुझे अगवा कर लेगा और अपना बना लेगा। लगता है पुलिस की बात समझ नहीं आई उसे। मुझे तो पहले ही पता था पुलिस के धमकी से कुछ नहीं होने वाला।
ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसे तो मैं ठीक करूंगा। सुनिए सुनिए, आप लड़ाई झगड़ा शुरू मत करना, आज जाके आराम से उसके बाप से बात करना। लड़ाई झगड़ा, मैं उसकी खाल खींच लूंगा। अल्लाह का वास्ता है आपको। साले पुलिस में गए थे ना कंप्लेन करने के लिए, गलत किया, तेरे तो हाथ पांव तोड़ देने चाहिए थे। इतनी हिम्मत है? जागीर चुप रहे। बिलाल चुप, ये बता तूने इसकी बेटी को तंग किया था? तंग क्या अबू, इतनी शराफत से पूछा था निकाह करेगी या नहीं, साले पुलिस में चले गए। उसने बोला था ना कि पीछा मत करना। मौला तेरे बाप का है, मैं जो मर्जी वो करूं, समझा? जागीर चुप, बिल्कुल चुप। बिलाल मेरी बात सुन, अपनी बेटी की गलती के लिए तुझसे माफी मांगता हूं। बाप क्यों माफी मांग रहे हैं? ऐसा है क्या इसकी लौंडिया में? अलग दो चार किताबें क्या पढ़ ली, बड़े तेवर दिखाते फिरती है। हाँ पढ़ी लिखी है, तेरे जैसे आवारा कुत्ते की तरह पूरे दिन सड़कों पर भौंकती नहीं फिरती। बिलाल मैंने इसकी तरफ से तैसे माफी मांगी ना, आज के बाद ये कभी तेरी लड़की को तंग नहीं करेगा बस। और ये तुम्हारा जो कुछ मामला है ना, यही पर रफा दफा कर बस। पिछली बार मैंने बड़ी नरमी से काम लिया था, ये पुलिस के पास चला गया था, लेकिन तेरा ये लौंडा फिर भी नहीं माना। अगली बार अगर इसने कुछ भी किया ना, तो इसके हाथ के साथ साथ तुम सबके भी हाथ तोड़ूंगा। हम कोई हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे, तू एक हाथ तोड़ेगा तो हम तेरे चार हाथ तोड़ देंगे। हाँ, देख लेंगे। तो याद रख, अगर तूने मेरी बेटी की तरफ फिर से आंख उठा कर देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगा। चल साला घर में घुस के धमकी देके गया है, और आप देखते रहे, आपको तक गाली देके गए वो। साला औकात क्या इस दो तके के दर्जे की? तेरी वजह से, तेरी वजह से इस उम्र में मुझे सब कुछ सुनना पड़ा है। तू सुना क्यों? मुंह तोड़ देते साले का। मैं चुप नहीं बैठने वाला, चला मेरे घर में आके मुझे गाली देके गया है वो, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। अब मिट्टी डालो इन बातों पे, झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। माजी जाकिर को फोन लगा, चल के उस दर्जी की सिलाई उधेड़ते हैं। ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है, लातों के करने जाने ही नहीं चाहिए था, सीधे के सीधे हाथ पर तोड़ डालने चाहिए थे, सारी अकल ठिकाने आ जाती। दानिश को फोन मिला जुनैद, आज इनकी खैर नहीं है। माजिद जाकिर उठाओ, चलो ला रे, ला दे। अरे मैं बोल रही हूँ, रुक जा चलो चलो, मैं कहता चलो। अबू ने दानिश चाचा को भी बुलाया है। और अब बिरान बारात करीब हाथों को जाना दूर हाथों को जाना दूर। झगड़ा उन लोगों ने शुरू किया था, घर आकर मेरे बेटे और शौहर को झगड़े के लिए उकसाया था। तुम्हारे शौहर सादिक और तुम्हारे बेटे जहांगीर, माजिद और जाकिर कहाँ हैं? पता नहीं साहब, बताकर नहीं गए। तुम्हारे बेटों और तुम्हारे शौहर ने पहले उन्हें मारा और मारकर फरार हो गए। जो कुछ भी हुआ पूरे मोहल्ले के सामने हुआ, उन्हें छुपाने का कोई फायदा नहीं है। और वो जहाँ भी छुपे होंगे ढूंढ निकालेंगे और घसीट के ले जाएंगे थाने। उन लोगों ने भी मेरे बेटे और शौहर को मारा था, ये सब उन्होंने शुरू किया था साहब। और खत्म हम लोग करेंगे, अपने बेटे और शौहर को बोल देना कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे, वरना तुम सब लोगों के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। डाउन शर्ट में जो है जुनैद भाई साहब, हम उन्हें होश में ले आए हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी खराब है।
लेकिन आप लोग घबराइए मत, वो बच जाएंगे। और बिलाल मेरा बड़ा भाई साहब, वो कैसा है डॉक्टर साहब? उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, सर पूरी तरह से फट गया था। सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। स्टेटमेंट लेंगे। अरे साहब, साहब अबू, आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। अगर ये लोग हम पे इल्जाम लगाएंगे तो हम भी इन पे इल्जाम लगाएंगे। रुखसार इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ सकी, वो आज तक डिप्रेशन में है। यहां तक कि एक बार उसने अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन ऐन वक्त पर उसे बचा लिया गया। रुखसार ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। रुखसार का परिवार पूरी कोशिश कर रहा है कि रुखसार फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। वो उसे हमेशा ये यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन वो उस सदमे से उभर नहीं पाई है, वो हर वक्त गुमसुम सी रहती है। बिलाल के छोटे भाई जुनैद की हालत में सुधार है, लेकिन अपनी वो खतरे से बाहर नहीं। जहांगीर और बाकी लोग पुलिस की कस्टडी में, और जहांगीर का कहना है कि उसने रुखसार से बहुत ही अच्छी तरह से निकाह के लिए पूछा था। वो सब लोग अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि बिलाल ने उनके घर में घुसकर उनकी बेइज्जती की, उन्हें धमकी दी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। ये सब देखकर जहन में ख्याल आता है, क्या होता अगर पहली ही बार में सिर्फ एनसी रजिस्टर करने की बजाय जहांगीर के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाते। ये कह पाना मुश्किल है कि क्या इससे वो सुधर जाता, क्योंकि जहांगीर जैसे लोगों को किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होती, किसी का कोई डर नहीं होता, ना समाज का ना कानून का। लेकिन कानून की खिलाफत करने का ये रवैया आखिरकार आता कहां से? ये सिर्फ एक मोहल्ले की बात नहीं है जहां पर ऐसे बेपरवाह लफंगे रहते हो। ऐसे लोग आपको किसी भी मोहल्ले के किसी भी नुक्कड़ पे नजर आ जाएंगे। एक लड़की जो पढ़ना चाहती थी, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी, आज वो अपने आप से ही लड़ रही थी। क्या ये कोई मामूली गुनाह था? नहीं, अगर सही मायने में देखें तो ये पूरे देश का नुकसान है। और ये नुकसान बुलंद आवाज में सतर्क रहने की गुहार लगाता है कि ना सिर्फ मजबूत कानून बनाना जरूरी है बल्कि उस कानून का लागू होना भी आवश्यक है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।